म्याना में शुरू हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट। म्याना कस्बे में पहली बार डबल आउटडोर गेम्स बैडमिंटन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन म्याना मित्र मंडली M3 क्लब द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन 5 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। आयोजन समिति ने बताया कि टीमों की संख्या ज्यादा होने की स्थिति में समापन की तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं M3 मित्र मंडली क्लब द्वारा यहां प्रथम पुरस्कार 5100 रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए रखा गया है। उक्त आयोजन पटेल भवन म्याना में किया जा रहा है। आज अशोकनगर एवं गुना की टीमों के बीच मुकाबले खेले गए, जिसमें एक मैच अशोकनगर ने और एक मैच गुना ने अपने नाम किया। सर करेंगे 16 भरोरिया। सेक्स 10 सर्विस घंटे ड्रॉप सर्विस डालते हुए 16 भरोरिया। एक बार फिर से 11-7 सर्विस घंटे सर्विस को चेंज किया, आने के सर्विस करेंगे। इसमें मारते हुए 6-1 देखते हैं। एक बार नेट फाउल किया अमन कुमार जैन ने। स्कोर इज 1-7 सर्विस चेंज। ये हमने पहली बार रखा हुआ है, इसको म्याना में पहली बार हो रहा है और ये हमने अभी 5 तारीख से शुरू करा है टूर्नामेंट बैडमिंटन का। इसमें बहुत पब्लिक बहुत एक्साइटेड है, हमारे गांव की भी और बाहर से भी टीमें आ रही हैं। इसमें चलने का है हमारा लगभग और 10 को भी हो सकता है फाइनल, ऐसा फिक्स डेट नहीं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि सब लोग आ रहे हैं। टीमों की एंट्री अभी आ रही है और कभी आने का है, और गुना से अशोकनगर से और हमारे आसपास साढ़ोरा सभी जगह से टीम्स आ रही हैं बैडमिंटन की। बहुत उत्साह है लोगों में, हम भी बहुत खुश हैं। इसमें फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज इसमें फर्स्ट प्राइज हमने रखा है 5100 रुपया जो कि M3 क्लब म्याना की तरफ से है, और सेकंड प्राइज 2100 रुपये जो कि हमारे डॉक्टर आरके जैन डॉक्टर गौरव जैन की तरफ से रखा गया है। और सील्ड्स हैं और हमारे सर्टिफिकेट भी देंगे, मेडल्स हैं सभी के लिए, सब कुछ मतलब अच्छे से सेट किया हुआ है। हमारा क्लब है M3 क्लब म्याना मित्र मंडली जो कि म्याना गाँव से है, हमारा सब फ्रेंड्स का क्लब है और सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। मैना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की।